दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक से ज़्यादा हम मल्टीपल कैरेक्टर कैसे बनाते हैं और उनकी फेस के कलर को हम कैसे चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी फ्रेंड्स को प्रॉब्लम आई है। उन्होंने मुझे ये सवाल भी पूछा कि सर, आप प्लीज़ हमें बता दीजिए कि जब भी मैं कैरेक्टर बनाता हूँ एक से ज़्यादा, तो उनकी एक को फेस को चेंज करता हूँ तो फ्रेंड्स सबके फेस को चेंज हो जा रहे हैं। तो सर, हम क्या करें कि एक सिर्फ एक ही बंदे का फेस का कलर चेंज हो? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ही आपको बताऊंगा कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर हम कैसे बनाते हैं और फेस का कलर कैसे चेंज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुन्ना पटेल, आप देख रहे हैं इजी वे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा जो स्क्रीन पे मेरा कैरेक्टर दिख रहा है, तो फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल कैरेक्टर इसको बनाऊंगा और इसी के फेस को मैं चेंज करके आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके सबसे पहले मैं बोन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल टैब प्रेस करके पोज मोड में जाता हूँ और यहाँ पे आर प्रेस कर सबसे पहले इसे मैं अटेंशन मोड में कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जब आपका बोन पोज मोड में है तो सबसे पहले काम होता है कि आपको उसे नॉर्मल मोड में कर लीजिए। ठीक है, अब नॉर्मल मोड में करने के बाद आपकी बोन की जो कलर है येलो पड़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद से आपको बॉडी को सिलेक्ट करना होता है। शिफ्ट प्रेस कीजिए, बोन को सेलेक्ट कीजिए। गुड, बोन को सेलेक्ट करेंगे तो आपकी बॉडी की जो कलर है रेड हो जाएगी एंड देन बोन आपका येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जस्ट ड्रैग करके यहाँ पे ला देता हूँ मैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, शिफ्ट डी प्रेस करूँगा। शिफ्ट डी प्रेस करने से ये कॉपी हो जाएगा। एक्स प्रेस करूँगा, एक्स डायरेक्शन में चला करके खड़ा कर दूंगा। गुड, फिर शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, एक्स प्रेस करूँगा, एक्स डायरेक्शन में इसे खड़ा कर दूंगा। एक्स डायरेक्शन में इसलिए क्योंकि अगर मैं एक्स प्रेस करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ, शिफ्ट डी मैंने एक्स प्रेस किया, उसके बाद से मैं अपने कर्सर को कहीं भी ले जाऊँ, ऊपर नीचे देखिए मेरा कर्सर हो रहा है, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, आगे इस तरफ से लेफ्ट एंड राइट मूव हो रहा है। ठीक है, तो यही होता है, एक्स डायरेक्शन में ये मूव होगा, अगर वाई करता तो ऊपर नीचे की तरफ ही मूव होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ला करके खड़ा कर देता हूँ, शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ, एक्स डायरेक्शन में खड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के पांच कैरेक्टर हो गए। आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, हजारों लाखों आप कैरेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी का माला जपना है और जितने ही जपते जाएंगे उतने ही ये बनते जाएंगे। ठीक है जी, एंड देन चलिए उसके बाद से हमारा काम हुआ कि इन कैरेक्टर के फेस को कैसे चेंज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इनसे, पहले वाले से। चलिए, मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ध्यान देंगे फ्रेंड्स, लीजिए आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो हम यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे हम कलर चूज करते हैं, यहाँ पे आने का आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे हैंड का जो कलर दिया था, जिस टाइम मैंने हैंड का कलर दिया था हैंड लिखा था, फेस का जो कलर दिया था फेस लिखा था, आई का जो कलर दिया था आँखों का वहाँ पे आई लिखा हुआ था, यानी सारे कलर का मैंने नाम लिखा हुआ था। फिर जब भी आप भी बनाए ना तो नाम लिख देना कि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, वैसे भी अगर नाम नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं है, आप देख सकते हैं कि इनके फेस का कलर ऐसा है तो हमारे में ऐसा कलर कौन सा ये है, तो ये ही होगा फेस का, सिंपल सी बात है। फिर आप ऐसे एडिट कीजिए, वहाँ पे FACE टाइप कर दीजिए, फेस हो गया फेस का कलर। ठीक है, देन उसके बाद से अब हमें चेंज करना है, तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जाऊँगा मैं, अब जैसे मैं कोई कलर लूँगा, आप देखिए पूरे हिसाब के कलर चेंज हो रहे हैं, है ना, यही तो आपकी प्रॉब्लम थी, है कि नहीं जी? तो इनके कलर को मैं सबसे पहले यहाँ पे रेड तो कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं रेड ही सिलेक्ट कर रहा हूँ कि एक फ्रेंड को मुझे एक बात समझानी थी, क्योंकि उनका एक प्रॉब्लम था कि उन्होंने काम किया था, अपने फेस को बना रहे थे और उन्होंने शायद कोई की प्रेस कर दिया था, तो मुझसे पूछ रहे सर मैंने की प्रेस कर दिया, मैं कैसे वापस उस फेस को लाऊं, जैसे मेरा फेस टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मैं कैसे बैक करूं? तो बैक करने का सबसे मेन आसान तरीका मैंने हर बार आपको बताया था कि कंट्रोल जेड प्रेस कीजिए। कंट्रोल जेड करने से क्या होता है ना कि आप एक स्टेप पीछे जाएंगे, जितना भी आप प्रेस करेंगे एक स्टेप पीछे जाएंगे, उसे हम हिस्ट्री टूल भी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने कोई काम कर दिया, आगे गलतियाँ करते गए, ठीक है ना, अब कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो सेम जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एक से लेकर 10 तक सीढ़ी चढ़े, ठीक है ना, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो 10 के पहले जो था 9 था वहाँ पे चले आएंगे, फिर एक बार और कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो आप 8 पे चले आएंगे। ठीक, उसी प्रकार जैसे मैंने फेस का कलर चेंज किया था, मैंने एक बार काम किया था तो फेस का कलर यहाँ पर रेड पड़ गया, कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा तो नॉर्मल मोड में आ गए जो हमारा पहले था। ठीक है, तो इस तरह करके आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं, सिर्फ कलर में ही नहीं बल्कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कंट्रोल जेड प्रेस कीजिए, आप बैक वापस आ जाएंगे। अब रही बात कलर को हम कैसे चेंज करें, तो
सेम वही काम है, देखिए कलर सब साथ साथ चेंज हो रहे हैं, तो इसको हम कैसे सही करेंगे? तो आपको सही करने का मेन तरीका आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जस्ट आप यहाँ पे आएंगे फ्रेंड्स, तो आपको 5 दिया हुआ है। ये 5 क्या होता है आपको पता है? कि जो फेस का कलर है 5 कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5, ये पाँचों पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ एक पे अप्लाई करने के लिए मैं इस 5 पे मैं क्लिक करूँगा तो यह एक बन जाएगा, यानी 1 हो गया, ठीक है ना। अब ये सिर्फ जब भी मैं करूँगा तो एक पे ही अप्लाई होगा, किस पे? इस पे होगा, दिखाता हूँ आपको मैं। अब मैं इसको कलर फेस को देखिए, अब मैं कर रहा हूँ ना, सिर्फ एक ही पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही काम होता है फ्रेंड्स, हम गलती करते हैं। अब मैं इस पे जाता हूँ, अब देख सकते हैं ये 5 पे अप्लाई कर रहा है ना, ये फेस पे मैं जाऊँगा, अब 4 पे हो गया, यानी 1 2 3 4, ये 4 पे अप्लाई हो रहा है। तो सिर्फ इस पे अप्लाई करने के लिए मैं 4 पे क्लिक करूँगा और जस्ट मैं इस पे कोई एक फेस कलर दे दूँगा। सेम वहीं पर अब 3 बचे, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा और फेस पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो 3 पे अप्लाई हो रहा है। फेस पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ जाऊँगा कोई एक कलर ले लूँगा, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा फेस पे जाऊँगा, 2 पे अप्लाई हो रहा होगा, देखिए 2 पे, फिर मैं वहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आकर के इसके कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। फिर इनके पास आऊँगा, फिर फेस पे जाऊँगा, अभी 1 पे ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अब तो सारे के सारे हट गए। तो अब मैं चेंज करूँगा तो इनका अकेला हो जाएगा, ठीक है जी। अब रही यहाँ पे शर्ट के कलर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो शर्ट का कलर है, यानी बॉडी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे SHIRT भी लिख दूंगा, SHIRT, ठीक है, मैंने शर्ट लिख दिया। उसके बाद से जस्ट मैं यहाँ पे जाऊँगा, सारे के पे अप्लाई हो रहे हैं ना जी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, सेम वही यहाँ पे जाऊँगा, 5 वाला जो है उस पर क्लिक कर दूँगा, ये हट गया यहाँ से। फिर अब मैं जो भी करूँगा एक पे ही अप्लाई होगा, फटाफट वही काम करते हैं। शर्ट पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो भी कलर लेना है ले लीजिए, यहाँ पे आता हूँ, शर्ट पे जाता हूँ, यहाँ से जो भी कलर लेना है हमें, देखिए 3ों पे अप्लाई हो रहा है। सेम वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए, फिर कीजिए, एक ही पे अप्लाई होगा। यहाँ पे जाइए, शर्ट पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिए, लीजिए, यहाँ पे आइए, 1 है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये फेस पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे शर्ट चूज करूँगा, लीजिए शर्ट मेरा चेंज हो गया। तो इस तरह करके फ्रेंड्स, बिल्कुल शर्ट ही नहीं, आप हैंड, लेग्स, हर चीज़ का कलर चेंज करते हैं, आई का, यहाँ पे जो इनके बाल को मैंने लगाया था हेयर, तो आप हेयर का भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे हेयर का कॉलर कौन सा दिया था, देखिए मैंने नाम शायद नहीं लिखा हुआ है, तो अब मैं चेंज करके देखूँगा कि हेयर कौन से पे अप्लाई हो रहा है। जैसे मैं ऐसे करके देखूँगा, ये नहीं है हेयर का मेरा, तो ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं इस मटेरियल पे जाता हूँ और मैं इसको अगर सेलेक्ट करके देखो, देखिए ये मेरा हेयर हो गया। इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं कि आपके हेयर का कलर कौन सा है। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे हेयर लिख दूँगा, गुड। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इस पे सेलेक्ट करूँगा और हेयर पे मैं जाता हूँ, 5 है, तो यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे आ करके जिस एक को कलर चेंज करना है तो एक पे कलर चेंज कर दूँगा, हो गया ना, ये हमारे दादाजी की टाइप है ना। अब मैं इनकी शर्ट को भी अगर कलर चेंज कर दूं तो बिल्कुल दादाजी हो जाएंगे, है ना जी। लीजिए ये हो गए ना। तो आप इस तरह करके एक अपने हजारों कैरेक्टर बना सकते हैं, लाखों, जितना चाहे बना सकते हैं, ठीक है। और इस तरह यूज करके कैरेक्टर के फेस को, कलर को आप चेंज कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।